हेलो एवरीवन, आज हम जो है ट्राउज़र की कटिंग करना बताएंगे कि ट्राउज़र की कटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया और ये जो है चार लेयर है यहाँ पे, इसको फोल्ड करके बिछाया मैंने। अब हम देखेंगे लेंथ कितनी है। लेंथ के लिए यहाँ पे इस तरह से माप लेंगे हम, और जो हमारा यहाँ पर जो मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच पर, वो इलास्टिक के लिए निशान लगा रही हूँ। और इस तरीके से हमको ये निशान लगा, इस तरीके से जो है इस साइड से भी हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। हमने इसको मिला दिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ जो है हमने यहाँ पर 30 इंच पर निशान लगा दिया है। और अब हम इस पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे से मोड़ने के लिए। यहाँ से भी हम 30 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसको मिला देंगे। इस तरीके से हमें इसको मिला दिया है। और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और इसको भी इस तरीके से निशान मिला देंगे। अब इस तरीके से हमने मिला दिया है। अब हम ऊपर से लेंगे, ऊपर से साढ़े ऊपर आठ से इंच जो पर है हम हम निशान लगा यहाँ देंगे। पर आठ, और अब हम जो है जो लास्टिक वाली हमारी जगह यहाँ थी पर भी 8 इंच पर, 8.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हम आसन लेंगे। आसन जो है यहाँ पर मैं 14 इंच पर निशान लगा रही हूँ। वैसे अगर लास्टिक को मोड़ कर, जो ऊपर का कपड़ा है उसको मोड़ कर, तो 12 इंच लगता है, लेकिन मैंने पूरा ही ले लिया 14 इंच पर। तो इस तरीके से हम इस निशान को मिला देंगे। तो ये निशान हमने इस तरह से मिला दिया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, या आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से हम इसकी शेप दे देंगे। इस तरीके से हमने इसकी शेप दे दी है। अब हम जो है यहाँ पे नीचे से हम यहाँ पे 6 इंच पर निशान लगा दिया है, इस साइड से भी 6 इंच पर। और अब हम इसको और इसको यहाँ से मिला देंगे। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। तो अब हमने ये 5 इंच पर यहाँ से निशान लगाना है, क्योंकि मोरी जो तैयार करनी है नीचे से, तो वो 5 इंच है, तो इसलिए अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर जो है हम छोटा सा कट लगा देंगे, और ऊपर से भी वहाँ पर हम कट लगा देंगे। तो जो हमारी ट्राउज़र की कटिंग है वो इस तरह से हो गई है। थैंक यू।